आप किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को जिसे आप समझें आप उसको जिता सकते हैं। जैसा कि राणा साहब ने कहा, अब जिताने के लिए आपको सारी चीजों की मशक्कत करनी चाहिए। मैं तो आपसे अनुरोध और प्रार्थना ये करने खड़ी हुई हूं कि आप देखें कि जब भी हम कोई रिश्ता भी अगर करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पीढ़ियां खंगालते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या इनका रिकॉर्ड है। आपसे अनुरोध इस बात का है कि जब आप राजनीतिक तौर के ऊपर वोट डालने जाएं तो राजनीतिक इतिहास भी देखें, जिस दल को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं उस दल का इतिहास देखें। और जब आप इतिहास देखेंगे तो मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से दावे से कह सकती हूं कि आपके बीच में केवल एक पार्टी का इतिहास सुनहरा निकल के आएगा, वो है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज तक जितने भी हरियाणा प्रदेश में जन कल्याण की नीतियां हैं, आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी है। आप चाहे अब मैं जो नौजवान बच्चे हैं, मेरे बुजुर्गों को तो बहुत पता है इस सब बात का, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है उनसे अनुरोध करूंगी कि इस तह में जरूर जाएं, इन बातों को जरूर समझें। वहीं एक बहुत बड़ी मिसाल, आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल जो इंडियन नेशनल में आपने देखी होगी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिनके सहरे पे ताज सजाया जाना था, जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन अपनी जुबान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए उन्होंने वो ताज वीपी सिंह जी के सिर पर रखवाने का काम किया। लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, लोग कहते हैं कि चौटाला वाले तो परिवारवाद करते हैं। आज तक आप ये भी इतिहास उठा के देखें, जितने भी राजनीतिक दल में नेता हैं उनको आगे लाने वाले कौन थे? उनको आगे लाने वाले एक चौधरी देवीलाल जी थे, जिन्होंने आज पूरे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर के ऊपर स्तंभ खड़े किए हैं। आज ये तमाम बातें विपक्ष फैलाता है कि ये तो झूठ बोल देते हैं, हवा में बातें करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जो लोगों के साथ धोखा किया, जो ठगी ठोरी की, उस बात के लिए वो छुपाना चाहते हैं। आज आप देखें कि जब आप इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास उठाएं, आरएसएस से निकला हुआ ये दल है, और आरएसएस की क्या पहचान थी? आरएसएस वो दल जो अंग्रेजों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी दिया करते थे। इसलिए आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आप इन लोगों से बचें। ये लोग केवल एक ही काम कर सकते हैं, हमें जात पात में बांट सकते हैं, हमें धर्म के नाम पे लड़ा सकते हैं, हमें धर्म जात पात इन सब से ऊपर उठ के विकास को वोट देना शुरू करना पड़ेगा। मेरे कई बात पे भी आप ना जाएं, लेकिन जिस समय भी आपने विकास के नाम पे वोट डालना शुरू कर दिया, ये मैं दावे के साथ आपसे कहती हूँ, तभी से हमारे हरियाणा प्रदेश का विकास शुरू हो जाएगा। आज आपने मेवात में देखा, मणिपुर में देखा, जला दिया हरियाणा प्रदेश को, जात आरक्षण के नाम पे जलाया, किसान आंदोलन के नाम पे 750 शहादतें हुई। क्या हमें इन सब चीजों से सबक नहीं लेना चाहिए? और एक ऐसा राज, आप मुझे एक चीज बताएं, क्या बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी ने एजिटेशन करा था? क्या बुढ़ापा पेंशन के लिए कोई धरना प्रदर्शन हुए थे? ये एक राजा ऐसे थे कि जिन्होंने एक जनता की भावना को समझ के नीति बनाई, बुजुर्गों की भावना को समझ के ये नीति बनाई कि बुढ़ापा पेंशन शुरू करके दी। क्या कन्यादान राशि के लिए कभी कोई धरना प्रदर्शन हुआ? ना कन्यादान राशि के लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ। ये एक माँ की, एक बाप की चिंता को देख के बनाई गई नीति है। क्या किसान ने कभी मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन किया था? चौधरी देवीलाल जी ने किसान की भावना को समझ के ये नीति बनाई कि किसान की फसल अगर खराब हो जाए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या इससे पहले कभी कोई मुआवजा दिया जाता था?
कभी भी नहीं दिया जाता था। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप जब भी वोट डालने जाए, जब भी अपनी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करें तो सोच समझ के करें और इंडियन नेशनल लोकदल को आप मजबूत बनाएं, ताकि जो अतीत में नीतियां बनी हैं भविष्य में भी वो बना सके। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद बहन जी। हमारे बहुत ही प्रिय नेता चौधरी अभय सिंह खिलौना जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि फूल माला पहना करके अपने प्रिय नेता के स्वागत करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई, अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई, अभय सिंह चौटाला, अर्जुन सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। मेरा निवेदन है सभी ताड़ियां बजा करके अपने महबूब नेता का स्वागत करें। आपके बीच में आपके सम्मानीय नेता हरियाणा के भविष्य श्री अभय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं, जो प्रतीक है चौधरी देवीलाल जी के, ओम प्रकाश चौटाला जी के, और आपका भविष्य और हरियाणा का भविष्य है। एक बार मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि स्वागत के तौर पे एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें, आपके बीच में आगे बैठे और एक नारा जबरदस्त लगाएंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला, अर्जुन चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, चौधरी देवीलाल, INLD पार्टी। साथियों, जैसे कि आपको पता ही, और मैं धन्यवाद फिर आपका करता हूं कि इतनी बारिश का मौसम था, बड़ा मुश्किल था, प्राम उधर से बदल के यहाँ प्राम किया रात में 10-11 बजे, फिर भी आप चौसाबिये जो लोग आपके बीच में बैठे हैं, इस इलाके की किसानों में, आरतियों में वो क्रीम बैठी है, जो भी आपका संदेश होगा उसका इशारा जो ये पब्लिक को करेगी, ये पब्लिक वहाँ यहाँ की सब क्षेत्र की उस इशारे पे चलेगी और इनके कहने पे यहाँ राजनीतिक समीकरण बदला करते हैं। तो आज ये लोग बहुत दिनों के बाद बड़े चौ से अपने आप को किसान प्रतिनिधि समझते हुए और किसान नेता के साथ अपनी गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत इस बात पे शुक्रिया करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ गुरदयाल सिंह सेक्रेटरी साहब का, जिनका परिवार चार पीढ़ी से INLO पार्टी में, चौधरी देवीलाल जी भी से लेकर के आज तक इनके परिवार से जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठित परिवार है, व्यापारी के तौर पर प्रतिष्ठित है और किसान का भी बड़े किसान है क्षेत्र के। इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इतने लोगों से मिलाया चौ साहब को, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आस पास के प्रतिष्ठित चौधरी और पदाधिकारी हमारे आए हुए हैं, राठी साहब हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्याम सिंह राणा जी हैं, बहन सुनैना जी हैं, दिलभाग विधायक जी हैं, तो सभी का यहाँ स्वागत, बहुत बहुत स्वागत और आपका ही स्वागत। अब मैं एक मिनट गुरदयाल सिंह जी स्वागत करेंगे, उसके बाद में आपके प्रिय नेता आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा गुरदयाल सिंह जी से कि वो जो पगड़ी सम्मान की पगड़ी है किसानों की तरफ से किसान नेता को दी जा रही है, सबसे पहले वो पगड़ी अपने साथियों सहित, और जिसमें हम अगले आदमी को अपने सिर की पगड़ी देने का मतलब अपना मान सम्मान दे रहे हैं कि आप हमारे हाथ से नेता हैं, आपके हाथ में हमारे हरियाणा का भविष्य है, तो वो पगड़ी चार पांच साथी और आ जाए। चौधरी मान सिंह जी आओ, आप भी आओ, मान सिंह जी आप भी आओ, ये पगड़ी बहुत सम्मान की पगड़ी होती है, इलाके की तरफ से दी जा रही है सभी किसान भाइयों की तरफ से, ये पगड़ी देंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि ताली बजा करके जोर लगा के स्वागत करें। बता दो भाई।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भैया अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, किसान नेता भैया अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। स्वागत करता हूँ और के लिए आए हुए लोगों की तरफ से भी, सभी आर्ट के तरफ से, इंदारों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आए श्रीमान दिलबाग सिंह जी, नट्टी साहब, श्याम सिंह राणा और सुनैना जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। धर्म यहाँ पर आए भूतपूर्व सरपंच धर्मपाल जी, जयपाल जी, रणजीत जी, मान सिंह, मास्टर जगीर सिंह प्रधान जाट धर्मशाला, पाल मोचन, रोड़िया राम जी, बारा सिंह जी, जमील हसन जैतपुर, सरदार लाली सिंह, जसविंदर खेड़ी, इन सभी का आए होगा यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा चार पीढ़ी से इसके साथ पारिवारिक संबंध है और आगे भी जो हमारे को दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम उनका पालन करेंगे। धन्यवाद जी। यहाँ आरती भी बराबर संख्या में बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद। और हम चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे उनका जो कमीशन ठेके पे किया उसके बारे में भी बात करें और किसानों की समस्याएं सुन के उनका समाधान असेंबली में भी, अपने जहन में भी, ताकि कल भगवान करेगा कि आपने हरियाणा को लीड करना है, इनकी समस्याओं का समाधान हो। मैं आमंत्रित करता हूँ चौधरी साहब को कि वो अपने विचार चौटाला जी का संदेश आपको दें। सबसे पहले तो मैं जो यात्री मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करो, आप सारे चलो, मैं इनसे बात करके आता हूँ। आप आगे आ जाओ, थोड़े नजदीक आ जाओ, नजदीक कर लो कुर्सियां, आ जाओ नजदीक, आ जाओ आराम से खुल के बात करेंगे। परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के हो, छत्रौली और आसपास के गांव शहर है, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और टुकड़ो पकौड़े फेंक खाने के यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ मेरे पास पकौड़े फिर खा लेना। ठंड का टाइम है ना, पकौड़ा वैसे भी स्वाद लगे ठंड। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि यात्रा जैसे ही आपके यहाँ पे पहुंची, आप सबने यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वही यात्रा में मेरे साथ चल रहे साथियों का आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने सारी बातों का जिक्र किया, आज के हालात में चर्चा करी, देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें क्या क्या दिक्कत आई, किस दौर से गुजरे, ये सारी बातें आपके सामने हुई। आज मैं आपके बीच में करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करके आया, 1600 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों के लोगों से मिल गया। रोजाना 10, 12, 15 गांव जितने भी रस्ते में आते हैं उन सब गांव में लोगों से मिलते हैं, खुल करके लोगों से पूछते हैं कि इस सरकार बनने के बाद
कोई ऐसा काम गांव में, शहर में, कस्बे में हुआ हो जिसकी वजह से किसी एक साधारण आदमी का कोई लाभ हो। हैरानी की बात है, मैं ऐसे जिलों में भी जाकर के हूँ जहाँ पीने का पानी नहीं है, लोगों को मोल पानी लेना पड़ता है, कई कई किलोमीटर से पानी लेकर के आते हैं, कैंटरों में भर भर के 500-500, 700-700 रुपये कैंटर का खर्च करके और अपना बंदोबस्त करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 80% स्कूल ऐसे हैं जिनमें मास्टरों की कमी की वजह से गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, अस्पतालों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है वहां दवाइयां नहीं है, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी हुई है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, या आपकी यमुनानगर से छत्रोटी आते ये भी सारी टूट रही है, नहीं टूट रही है, गांव के लिंक रोड तो खत्म हो गए। आज हर वर्ग के लोग जो है सरकार से दुखी और परेशान है, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, चुनी हुई पंचायतें जो है उनके सरपंचों के अधिकार खत्म कर दिए, और वही उसके साथ साथ है किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को परेशान करते हैं। आज हर कोई परिवर्तन करना चाहता है। मैं 72 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलके हूं, आपका ये 75वां है। हर जगह लोगों ने एक ही बात कही है कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? आप भी बदलना चाहते हैं। मैं कल गुर्जर बेल्ट में गया हुआ था जहां सबसे ज्यादा वोट आपके इस विधायक को मिले थे, और वहां सबसे ज्यादा लोग इससे पीड़ित है, सबसे ज्यादा परेशान है। बड़ी हैरानी की बात है, अगर कोई किसी के जाके चाय पिए तो भी उसको नुकसान करता है, उसको परेशान करता है। मैं वहां गांव के अंदर कल दोपहर का खाना खा के रहे गाँव में, वहां 8वीं का स्कूल था, मैंने पूछा कि तुम्हारे स्कूल में मास्टर कितने हैं? ये एजुकेशन मिनिस्टर है, उस स्कूल में 2 मास्टर थे, 8वीं का स्कूल था, 2 मास्टर होंगे तो बच्चे पढ़े नहीं कैसे? ये मास्टरों की कमी को पूरा करने के बजाय कहां से पैसा कमाया जा सकता है उस काम में लगे हुए हैं सारे के सारे। आज इसीलिए सरकार से लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। चौटाला साहब ने जब इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी तो उन्होंने खुल के कहा था कि हम इस शहर में, कस्बे में, गांव में लोगों से मिलो, उनकी क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है उनको जरूर जानकारी दो। मैं जहां व्यापारियों से मिला, मंडी में आड़तियों से मिला, आड़ती भी सरकार से दुखी है, इसलिए दुखी है कि चौटाला साहब का जब राज था तब तो आड़ती को 2.5% दामी मिला करती थी, 2.5% मिलती थी, नहीं मिलती थी, अब कितनी मिलती है? अब 45 रुपए फिक्स कर दिया आड़ती। अगर 5000 रुपए क्विंटल कोई फसल बिकेगी तो उसको तो केवल और केवल 45 रुपए मिलेंगे, 2.5% के हिसाब से उसको पैसा ज्यादा मिलता। व्यापारी को जिनका वोट सबसे ज्यादा भाजपा ने दिया, जिस व्यापारी ने सबसे ज्यादा भाजपा की मदद करी सरकार बनाने,
उसको ये लोग चोर और बेईमान कहने लगे। व्यापारियों को चोर और बेईमान कहते हैं नहीं कहते हैं, उन्हें तो टैक्स की चोरी करते हैं, तो किसान का पैसा खाते हैं, जबकि आर्थिक तो किसान का सबसे बड़ा मददगार है। आर्थिक तो देखा जाए तो किसान का एटीएम है, एटीएम में पैसे खत्म हो सकते हैं लेकिन आरती के पास पैसे खत्म नहीं होते। जब जरूरत पड़ती है तो आरती के जाके घंटी बजा देते हैं और उसको कहते हैं इतने रुपए चाहिए, मेरे घर में शादी है, घर में कोई बीमार हो गया, पैसे चाहिए, देता है कि नहीं देता है, मदद करता है फिर आरती। आरती का नुकसान कर दिया वह आम आदमी को भी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई। आजकल जीएसटी बढ़े, इनकम टैक्स बढ़े, हर दुकान के आगे खड़े रहते लोग परेशान। इन्होंने तो बुजुर्गों को जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन बढ़ा करके दी थी वो भी काट दी। हरियाणा प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र की आड़ में काट दी। आपके इलाके में कटती होगी बुजुर्गों की पेंशन? जब पेंशन काटती वहां गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड भी जो है 9 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में काट दिया। जिसको सुविधा मिलती थी, जिसको अनाज मिलता था, जिसको मदद होती थी सरकार की तरफ से, वो खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया और कहा कि जिसके पास 10,000 रुपये साल का बिजली का बिल आएगा या जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा, हम उसकी पेंशन काटेंगे, उसका पीला कार्ड काटेंगे। 2 पहिया वाहन तो हर घर में आजकल, मजदूर भी जो है लेबर करने वाला है वो भी मोटरसाइकिल स्कूटर पर चल करके जाकर के अपनी मजदूरी करता है। 10,000 का बिजली का बिल जो है महीने का आता है, ये साल की बात करते हैं, बिजली का बिल महीने में 10,000 आ जाता है नहीं आ जाता? बिजली के बिलों से परेशान हो गए नहीं हो गए? बहुत ज्यादा परेशान हो बिजली के बिलों से। चौटाला साहब ने यात्रा शुरू करी तो खुल करके कहा था कि अगर आप लोग हमारी फिर से सरकार बनाओ तो सरकार बनने के बाद जिन बुजुर्गों की 5 लाख की पेंशन कटी है उनकी फिर से पेंशन बहाल करेंगे। तो कटी हुई पेंशन का पैसा जो है ब्याज के समेत बुजुर्ग के पास घर में पहुंच जाएंगे, उसका फिर मान सम्मान करेंगे, नई पेंशन बनाएंगे। ये 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इस 100 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्ग का मान सम्मान करने का काम। पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। मुख्यमंत्री का आज के अखबार में एक बयान था, उसने जिक्र किया था मेरे 715 बच्चों को कौशल रोजगार निगम में नौकरी दे दी। कौशल रोजगार निगम जो बना रखा है उसमें दिहाड़ी पे बच्चे लगाए जाते हैं। कहां तो 5 लाख को साल में नौकरी देने की बात करते थे, कहां 715 के लिए मुख्यमंत्री ने सारी प्रेस को बुला करके कहा, और वो भी दिहाड़ी पे लगाया, पक्की नौकरी नहीं। हमारा फैसला है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वही हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। लड़का पढ़ा लिखा होगा, लड़की पढ़ी लिखी होगी, उसको उसकी शिक्षा के मुताबिक उसको नौकरी देंगे। जहां नौकरी लगाएंगे बेरोजगार रह जाएगा बच्चा, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा रहे। वही उसके साथ साथ मोदी जी ने कहा था कि हर घर में गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलता है, पैसे लगते दुगने नहीं 4 गुना कर। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, 272 रुपए का गैस का सिलेंडर आता था, वही सिलेंडर हम 1150-1200 रुपए का हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमत है, जितनी दूरी ज्यादा बढ़ जाती है उतनी कीमत बढ़ जाती है।
एजेंसी से जितनी दूरी बढ़ेगी किराया उतना बढ़ जाता है। हम सरकार बनने के बाद हर घर के अंदर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त देंगे और 1100 रुपए महिला के खाते में देंगे ताकि उसकी रसोई का खर्चा चल सके, उसकी रसोई में दिक्कत ना आए। लूट मिर्च के पैसे भी साथ सरकार की तरफ से जाए। आज तुम बिजली से परेशान हो, बिल ज्यादा आते, बिजली कम मिलती है, मीटर घरों के पार लगा दिए। अगर कोई मीटर से छेड़खानी कर देता है तो उसके ऊपर बड़ा जुर्माना लगता है। जहां बिल ज्यादा आते हैं वहां सारा दिन बिजली डिपार्टमेंट वाले लोगों के घरों पे, दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे छापे मारते हैं, परेशान करते हैं कि नहीं करते। चौटाला साहब का राज था, कभी किसी के छापे पड़ते थे क्या? कोई परेशानी नहीं थी। कौन क्या कर रहा है, समय पे अपना बिल का भुगतान कर रहा था, उसको कोई परेशानी नहीं। आप राज बनाओ, ये जो मीटर घरों के पार लगाए ये पढ़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर में भिजवा दूंगा सारे। वही उसके साथ साथ नए मीटर लगाएंगे। बहुत लोग आएंगे आपके पास ये कहने वाले, हम बिजली मुफ्त दे देंगे, 200 यूनिट मुफ्त कर देंगे, 300 कर देंगे। ये सब कहने की बातें, हम आपको ऐसे मीटर लगा करके देंगे जिनकी गरारी 500 पे फंसेगी, 500 से फालतू बिल नहीं आएगा। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, मुझे एक अखबार के साथी ने सरकार ने भेज करके पता कराया कि 500 कैसे करेगा। ये बात जतने वाली नहीं है, किसी को भी 500 रुपए तक का बिल रहेगा उससे ज्यादा नहीं है। और मैं ये कहता हूं 500 से भी कम हो जाएगा, 500 से ज्यादा नहीं आएगा। हम हर घर और हर दुकान के ऊपर जहां मीटर होगा उस मीटर के साथ सोलर का पैनल लगा देंगे। सोलर का पैनल सरकार की तरफ से मुफ्त में लगा करके देंगे, 80% सब्सिडी है उसके ऊपर, 20% सब्सिडी बढ़ाएंगे और हर छत के ऊपर लगा देंगे, जिससे आपका बिजली का बिल खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने इन सब चीजों पे जो बात मैंने आपके सामने कही है, सब पे पहले एक्सरसाइज कराई है, सब पे पता किया है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आज हम आपके सामने कोई बात झूठ कह करके आपको बरगलाने की कोशिश करें, कल को सत्ता में आ जाए उसको पूरा नहीं कर पाए, तो फिर आगे से हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा? फिर तो कोई नहीं करेगा। अब इस जनता पार्टी में कोई विश्वास करता है क्या? इसलिए नहीं करते, नहीं झूठ बोल के वोट लेके था। चौधरी देवीलाल ने जब कभी भी आपसे वोट मांगा, जो वायदा किया उसको पूरा कर दिया। 100 रुपये पेंशन बढ़ाई थी, 10,000 के कर्जे माफ किए थे, 5100 रुपये कन्यादान के दिए थे, चौधरी देवीलाल ने किया था। पहले वायदे किए थे फिर उनको पूरा कर दिया। चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनेक गाँव शहर के कस्बे के लोगों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने सड़कें बनाई थी, स्कूल बनाए थे, वाटर बनाए थे, नहरें बनाई थी, उसके साथ साथ स्कूल अपग्रेड किए थे, गांव में अस्पताल बनाए थे, सारी सुविधाएं प्रदान करी थी। हर गांव को लाखों लाखों रुपए ग्रांट के रूप में दिए थे, गांव का विकास होता। ये सारी चीजें जो आपसे मैंने कही है, हम सरकार आने के बाद हर हालत में पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में पूरी कर देते, कोई चीज कमी नहीं। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है, परिवर्तन आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, काम में बैठे बैठे कर सकते हो, दुकान में बैठे बैठे कर सकते हो। जैसे भाटी साहब अभी बता रहे थे, कह रहे थे, ये सारी वो गरीब है जो जिसका एक बारी प्रचार शुरू कर देगी उसको सत्ता में ले आएगी, उसका MLA बना देगी, क्योंकि आपके पास तो सारा दिन सारी जगह से लोग मिलते हैं। और जब आप लोगों को ये बात कहना शुरू कर दोगे कि अगला राज चौटाला साहब का बनाना है, तो हर आदमी को ये बात जच भी जाएगी। इस परिवर्तन के लिए केवल एक काम कर दो, जब एक दूसरे को मिलते हो, राम राम करते हो, दुआ सलाम करते हो, सत श्रीकाल बुलाते हो, साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? आहिस्ता बोलने से नहीं आएगा परिवर्तन, जोर से बोल के बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन। पर जब कोई मिल जाए आपको कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला,
उसको तीन बारी कम से कम तुम परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, दिन में 20-30-50 बार जितनी दफा मिले उतनी बार ये बात दोहरा दो। एक एक बात ज्यादा दफा एक आदमी के सामने दोहराते हो तो परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता? इतना परेशान कर दो कि घर जाकर के घरवाली को ये ना कहे रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहे परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ एक नारा बोलो, मैं कहूंगा परिवर्तन लाना है, आपने कहना हरियाणा बचाना। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि जय